वेलकम टू इकरा एजुकेशन। दोस्तों फिर से एक और बार स्वागत करता हूं मैं आपका इकरा एजुकेशन की चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेम 2 का चैप्टर नंबर 4 के रिगार्डिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 है भाड़ा खरीद पद्धति ना हिसाब। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें। और इसके अलावा मैं बीकॉम सेम 2, सेम 4 और सेम 6 की भी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो वो भी देखना ना भूलें। अगर आप बीकॉम सेम 4 में है और सेम 6 में है तो वो भी वीडियो देख लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा बीकॉम सेम 2 का चैप्टर नंबर 4 है कॉस्ट अकाउंट का भाड़ा खरीद पद्धति ना हिसाबों। तो दोस्तों ये सेम 4 का जो सम है वो गिनने से पहले कुछ बातें, कुछ आमनोन जो है वो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। तो वो जो आमनोन ज़रूरी है वो आमनोन मैं आज आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आमनोन जो ज़रूरी है वो आपको याद कर लेनी है, ताकि आप जब भी सम गिनो तो आपको तकलीफ ना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले भाड़े खरीद पद्धति अंगेनी आमनोन, उसमें दो प्रकार की आमनोन होती है। एक तो भाड़ा खरीद थी खरीदनारना चोपड़ामा आमनोन, और भाड़ा खरीद थी वेचनारना चोपड़ामा आमनोन। तो सबसे पहली आमनोन है कि जयरे भाड़ा खरीदनो करार था, ठीक है, जब करार होवे मतलब कि खरीदनार अने और वेचनार दोनों के बीच में अगर करार हो कि भाई मैं तेरे को इतना माल दूंगा, ये तारीख को इतना इतना खरीदना है और ये कीमत है, तो ऐसा सिर्फ करार हुआ है, कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी व्यवहार हुआ नहीं है, तब खरीदनार के चौपड़े में कोई भी आमनोन नहीं होगी। इसके बाद इसके ऑपोजिट अगर करार होता है तो वेचनार के अंदर, वेचनार के चौपड़े में इसकी नोंद होगी। कैसे होगी? तो भाड़ा खरीद थी खरीदनार खाते उधार, तिक भाड़ा खरीद वेचाण खर्च खाते जमा। इसके बाद दूसरी आमनोन है कि करार वक़्त चुकावामा आवेल रोकड़। जब हमारा करार हुआ तो उसमें ऐसी बात आई कि भाई आपको माल खरीदना है, भाड़ा खरीदी करनी है, तो उसके पहले आपको एडवांस में देना पड़ेगा रकम, या तो फिर डिपॉजिट के तौर पर आपको रकम देनी पड़ेगी, या तो फिर मिलकत देनी पड़ेगी। तो उसके रिगार्डिंग आमनोन होगी, खरीदनार के चौपड़े में आमनोन होगी कि मिलकत खाते उधार, मिलकत हमने खरीद रहे हैं तो मिलकत खाते उधार, और बैंक से हमारा, बैंक से अगर पैसा जाता है तो बैंक खाते जमा, और अगर कैश के जाता है पैसा तो कैश खाते जमा। इसके ऑपोजिट कि जब वेचा हमने तो या खरीदनार के चौपड़े में आमनोद कर ली, इसके बाद कि वेचनार के चौपड़े में कौन सी नोंद होगी, तो ऑपोजिट हो जाएगी, ये बैंक उधार हो जाएगी और भाड़ा खरीदी थी खरीदेल माल खाते। कैसे ऑपोजिट हो जाएगी? तो बैंक जब वेचनार है उसके पास कैश या तो फिर बैंक आएगी, तो बैंक खाता उधार या तो फिर कैश खाते उधार, और जब भाड़ा खरीद खाते जमा हो जाएगी। और इसके बाद तीसरी आमदन जो है जरे हफ्तों चुकावानो था त्यारे, ये आमदन किसकी रिगार्डिंग है? तो भाड़ा हफ्ते दी खरीदी दी आमदन है, तो इसमें हफ्ता के हिसाब से रकम चुकवाएगी, छोटी छोटी हफ्ते के जो भी हफ्ता नक्की किया है वो हिसाब से हफ्ते की रकम चुकवाएगी, और उसमें प्लस ब्याज भी ऐड होता होगा। तो सबसे पहले खरीदनार के चौपड़े में ब्याज खाते उधार, ते मिलकत खाते उधार, और ते भाड़ा खरीद वेचनार खाते जमा। इसके बाद ऑपोजिट की वेचनार के खाते में आमदन किस टाइप की होगी? तो भाड़ा खरीदी थी खरीदनार खाते उधार, ते ब्याज खाते जमा। इसके बाद चौथी आमदन है कि हफ्तों चुकावामा आवे त्यारे, चुकावानो आवे त्यारे, तो हफ्ता कौन चुकवेगा?
खरीदार चुकवेगा तो बैंक या कैश से चुकवेगा, तो बैंक या कैश जमा और 12 खरीदी बेचनार खाते उधार। इसके ऑपोजिट यहाँ पर उधार हो जाए, ऑपोजिट हो जाएगा, बैंक खाते उधार और ते भाड़ा खरीद थी खरीदनार खाते जमा। इसके बाद पांचवी आमनोन है कि वर्ष ने अंतिम मिलकत पर घसारा माटे। जब ईयर एंडिंग होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तब 31 मार्च को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर वर्ष जो है वो क्लोज हो जाएगा, तब हमें मिलकत पर घसारा गिनना होता है। तो वो मिलकत पर घसारा की आमदन होगी कि घसारा खाते उधार ते मिलकत खाते जमा। विचरण इसके अंदर कोई आमदन नहीं होगी। इसके बाद छठी आमदन जो है कि ब्याज अने घसारा ने रकम नफा नुकसान खाते ले जवामा आवे त्यारे। जब ब्याज और घसारा की रकम जो थी वो उसको हम नफा नुकसान खाते ले जाते हैं, तो उसके आमदन खरीदनार के चौपड़ा में होगी नफा नुकसान खाते उधार ते ब्याज खाते और ते घसारा खाते। इसके बाद वेचनार के खाते में आमदन होगी ब्याज खाते उधार सिर्फ नफा नुकसान खाते जमा। ये खरीदनार जो है उसके नफा नुकसान के उधार बाजू एंट्री होगी इसकी, और वेचनार जो है उसके अंदर उसके नफा नुकसान खाते के अंदर जमा बाजू ब्याज की एंट्री होगी। ठीक है, इसके बाद एक दूसरी रीत है कि इसके अलावा एक छोटी सी 2-3 आमदन है वो भी आपको याद कर लेनी बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो पहले वो देख लेते हैं। बीजी रीत प्रमाण है आमदन, दूसरी रीत जो है उसके रिगार्डिंग, तो खरीदनार ना चोपड़ा में आमदन और वेचनार ना चोपड़ा में आमदन। तो यहाँ पर है कि जयरे भाड़े खरीदी नो करार करवामा आवे त्यारे, तो मिलकत खाते उधार ते वेचनार खाते जमा, खरीदनार खाते उधार ते वेचनार खाते जमा। ये तो बहुत ईजी है, याद भी हो जाएगी आपको और बहुत ही सिंपल है। इसके बाद करार वक़्त चुकवेल रकम, करार वक़्त जब हमारा करार हुआ था तब हमने एडवांस या डिपॉजिट के तौर पर हमने जो रकम दी थी, तो उसकी आमदन होगी वेचनार खाते उधार जिसको हमने दी है, मतलब कि ये खरीदनार के आमदन है तो उसमें वेचनार खाते उधार, और अगर हमारा पैसा गया है या बैंक से गया है तो बैंक खाते जमा। और जब वेचनार के खाते में जब कैश आएगी या बैंक आएगी तो बैंक खाते उधार और ते खरीदनार खाते जमा। इसके बाद 2 आमदन और है, लास्ट तीसरी नंबर की आमदन है कि हफ्तों चुकावानो थे त्यारे। जब हम हफ्तों चुकेंगे उसका तो ब्याज खाता उधार ते वेचनार खाते जमा, और इसके यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगी खरीदनार खाते उधार ते ब्याज खाते जमा। और चौथी जो आमदन है लास्ट आमदन है कि हफ्तानी रकम चुकौवानी थाए त्यारे, चुकौवा में आवे त्यारे। जब हम हफ्ता चुकेंगे उसको तब उसकी आमदन हो जाएगी कि वेचनार खाते उधार ते बैंक खाते जमा, बैंक खाते उधार ते खरीदनार खाते जमा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सी और बहुत इजी रीत से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छी नहीं लगी वीडियो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, और चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं।